पुण्य करिले हो और नगर के बीच जई होरी खुदवा रहे हैं, मंदिर बनवा दिया, इधर धर्मशाला कैसी बन रही। अरे मंदिर दया बन भाई भूपनी मूरती भोले की लगवाई जैसी मंदिर बनवाया और मंदिर में भोलेनाथ की मूर्ति को पधरवा दिया। उसके बाद राजा जेवर सिंह बड़े खुश हुए। जैसी बाग लगवाया तो उस बाग की रखवाली के लिए राजा जेवर सिंह ने एक माली और एक माली को वो मालिन को चुना। चुना जैसी बाग हरा भरा हुआ, उस बाग में जैसी फूल फल आए, तो आज माली अपनी मालिन से कहने लगो कि हे मालिन देख ये फल पकड़ के जमीन पर गिर रहे हैं और हम इन फलन को कहा करें। मेरी एक समझ में आ रही है कि ऐसा करी एक डलिया में भरे और जब नगर के चौराहे पे जाकर के बेच दो। तो मालिन कहने लगी कि महाराज सुन रहे हो, अगर राजा ने हेस नेस कहूं जान ली तो शायद जिंदा तो छोड़ेंगे ना। तो क्यों कि ये बाग एक पुत्र की खातिर लगवाया है न कि फल बेचने की खातिर। क्या अच्छा कि हाँ तो कहा करें कि हे माली आप सुंदर डलिया को सजवाओ और फूल फल भलवा करके राज दरबार के लिए। अच्छा कि हाँ आज माली और मालिन डलिया को सजा रहे हैं। अभी हरे पास की डलिया मालियन और तुरंत ही जेवन बा
गलिया को सजा रहे, बहुत बढ़िया बढ़िया फल और उसमें फूल लगाए। आज डलिया लेकर के वो माली जैसी चला, इधर माली है वो डलिया लेकर के जा रहा, इधर राजा जेवर सिंह और महारानी बाछिल, सुबह का वक्त है, इधर वो पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये हमारे बड़े भाई श्री रिंकू दुबे जी भारीपुरा भरेपुर के रहने वाले हैं, ये बाबा के चरणों में अपनी भेंट को अर्पण कर रहे हैं। बाबा इनकी मनोकामना को हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण करें। धन्यवाद। हेलो हेलो, और हमारे बड़े भाई श्री राजू भरतना के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए बाबा के चरणों में अपनी भेंट को अर्पण कर रहे हैं। बाबा इन्हें सुख शांति और इनकी मनोकामनाओं को हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण करें। धन्यवाद। और 10 रुपए कशिश कुदरेल, ये बाबा के चरणों में अपनी भेंट